हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है एक जो थंबनेल है, जो कि आपने बहुत से यूट्यूबर को देखा होगा। मैं उन लोगों का कुछ लोगों का नाम बता देता हूँ। मिस्टर आदित्य टेक का आपने देखा होगा, सचिन टेक का देखा होगा। तो मैं उन लोगों की तरफ प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाते हैं मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो एप्लीकेशन से मैं अपना थंबनेल बनाऊंगा, जिसका नाम है पिक्सल ऐप, और उसको डाउनलोड करने के बाद जो मैं अपने थंबनेल बनाते समय जिस फ़ोटो को मैं यूज़ करूँगा वो फ़ोटो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो एप्लीकेशन से मैं थंबनेल बनाऊँगा उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो मैं फ़ोटो यूज़ करूँगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और मैं आप लोगों को वहाँ पर बताता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाते हैं सचिन टेक और मिस्टर आदित्य टेक जैसा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप थंबनेल बनाएंगे तो उसमें आपका एक फ़ोटो का ज़रूरत होता है, ठीक है, जो कि उसको PNG में होना चाहिए। तो PNG कब होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी आपका फ़ोटो अगर उसमें से बैकग्राउंड अगर हटा दिया जाता है तो PNG में हो जाता है। तो सबसे पहले हम PNG को हटाएंगे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पर जाना है हम लोगों को, और हम लोगों को यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड लिखना है, रिमूव बीजी, ठीक। उसके बाद सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, जिस आपको इमेज का अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा रिमूव हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से मेरा बैकग्राउंड हट गया, ठीक है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इस पर अब देखिए यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक। अब हम लोग को इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं अपने वीडियो के लिंक में पिक्सल ऐप का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पिक्सल ऐप को हमको ओपन करना है, ओपन करने में सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम लोग को यहाँ डिलीट कर देना है। यहाँ हम लोग क्या करना है कि थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज। अब यहाँ पे करना क्या है, कस्टम पर क्लिक करेंगे, हम लोग को बनाना है यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख ले 1280 और हाइट 720 होना चाहिए, उसके ओके पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करना है, अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हो आप कलर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे, ठीक। मैं ऑलरेडी कलर बना के रख चुका हूँ, तो मैं चाहे तो जो भी आपको जो मन करे आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना कलर ये वाला ले लेता हूँ, ठीक, उसको एक कर देंगे। अब इतना मेरा बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे या फ्रॉम गैलरी। जो मैं इस फोटो को लूँगा वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइज इस तरह बड़ा करूँगा, साइज कर लेना है हम लोगों को। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टॉक पे, यहाँ पे इसको थोड़ा हल्का सा बढ़ा देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। साइडों पर क्लिक करके इसको हल्का सा, और उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसी थर्ड ऑप्शन में ही रहना है, वहाँ पे टेक्सचर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है, और हम लोगों को करना क्या है कि जो हम फोटो जो सेव किए थे जो कलर उसको हम लेंगे, लेने के बाद इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका एकदम मैच हो गया, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो अपने कलर को इस तरह कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। इस पर ओके कर देना है, और फिर देखिए यहाँ से अब क्या करना है आप लोगों को, प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी। अब यहाँ से आपको लेना है जो फ़ोटो लगाना है आपके थंबनेल में, यहाँ पे इसको लेंगे, जो कि मेरे को ये वाला लगाना है थंबनेल। यहाँ देखिए यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, ठीक। अब हम लोग इसमें करना क्या है, आएंगे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे साइडों पे
इसको इनेबल करना है, तो हम लोग को यहाँ पे वाइट को चूज कर लेना है, ठीक। ब्लर रेशियो को एकदम फुल कर देना है, उसके बाद डन कर देना है हम लोग को। ये चाहे तो आप इसको भी इंक्रीज कर, हल्का -3 कर देना इसको, आप -3, इसको भी हल्का सा -3 इसको भी रखना है, उसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके जो नीचे का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इसको भी लॉक कर देना है, इसको भी लॉक कर देना है, ठीक। लॉक करने के बाद आपको क्या करना है फिर मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। उसके आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमको लिखना है HD लिखना है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे, ठीक है। फॉन्ट पर क्लिक करना है, करने के बाद हमको फॉन्ट जो एम जो मेम फॉन्ट है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। करने के बाद साइज, साइज को आपको जो रखना है वो आप रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको आना है यहाँ पे शैडो का ऑप्शन पे, इस पर ऑन कर देना है, इसको भी इनेबल आप चाहे तो इनेबल कर सकते हो, डिजेबल आप इससे कोई मतलब नहीं है, जो जो आपका मन करो कर सकते हो। फिर आप यहाँ से इसको मान लो 6 रख लेता हूँ, फिर यहाँ पे इसको 3 रखता हूँ। तो आपको वहाँ पे वाइट कलर ही रखना है, वाइट कलर। इसको क्या करना है कि हम लोग को कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है D हम लोग को, HD। कलर हम लोग को रखना है पीला कलर, हम लोग को रखना है तो कलर इतना हो जाने वाला। इसको भी फिर हम लोग कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है थंबनेल, थंबनेल। अब इसमें हम लोग फिर कलर इसमें फिल करना है हम लोग को। इसको यहाँ पे हम लोग को रखना है जो फर्स्ट लेटर है हम लोग उसको वाइट रखेंगे। इतना करने के बाद सबसे पहले आप जो मैं मीमी फॉन्ट जो चूज किया था वो चूज नहीं हो पाया था, ठीक है। तो मैं अब चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो या तो आप उसको लास्ट में चूज कर सकते हो या तो शुरू में कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सचिन टेक का है, ऐसे आप लोगों को थंबनेल में बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे इसको रख देते हैं, इसको फिर हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग को लिखना है लाइक, इसको क्या करना है कि जो फर्स्ट लेटर है L, तो हम लोग को इसको रखना है L को वाइट कलर और जो I के है इसको हम लोग को रखना है रेड कलर। तो कलर पे जाएंगे, इसमें नहीं है तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे रेड कलर, यहाँ पर हो गया, देखिए अभी यहाँ पर रेड कलर बन चुका है। अब हम लोग को लिखना है यहाँ पे सचिन टेक। अब क्या करना है कि हम लोग को इसको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखना है सचिन टेक। इसको क्या करना है कि इसको पूरा वाइट ही रखना है हम लोगों को। कलर पे जाएंगे, यहाँ पे वाइट कलर, देखिए अभी यहाँ पे इसको हम लोग को अच्छे से सेट कर लेना है। अभी इतना हो जाने के बाद अब हम लोग को लगाना है यहाँ पे, आपके पास जो भी PNG है, तीर का आइकॉन या जो भी, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी PNG पड़ा हुआ है, तो इस तीर को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। अब इसमें करना क्या है आपको लोगों को, आपको फिर आना है फ्रॉम गैलरी में, फिर गैलरी पर क्लिक करना है, यहाँ पर लेना है इस आइकन को, यूट्यूब के लोगों को ले लेना है, हल्का सा छोटा इसको करेंगे, इसको भी कॉपी आप लोगों को कई ठो कर लेना है, 2-4 आपका जितना मतलब लगा सकते हो इस फोटो में। यहाँ पे इस तरह इसको करेंगे, यहाँ पर लोग गो बैक लिखा होता है, गो बैक पे हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए आपको ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर शैडो पे आना है, इसको ऑन करके, और जो ये ब्लर रेडियस है इसको पूरा फुल कर देना है। यहाँ से वाइट कलर पहले चूज करके आपको ब्लर कर देना है, ठीक है। अब फिर आपको ये लेना है, इसको
फिर आपको इसी तरह यहाँ पर जाना है और आपको गो बैक पर क्लिक करके ये भी बैक हो जाएगा। फिर वही सेम करना है, शैडो पर आएंगे, क्लिक करेंगे, वाइट कलर यहाँ से चूज करेंगे, फिर ब्लर को बढ़ा देंगे हम लोग, फिर गो बैक पर क्लिक कर। देखिए आपका यहाँ पे कितना थंबनेल अट्रैक्टिव बन चुका है सचिन, अभी यहाँ पे सचिन टेक जैसा, मिस्टर आदित्य टेक जैसा थंबनेल बना सकते हैं। इस आइकन पे हम क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक कर लेंगे, अब यहाँ का आपका थंबनेल बनके रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।